नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे सरकार में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नुसरत परवीन सिद्दीकी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति को देखते हुए फिर से 10 दिन के लिए लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया, जिसका असर रक्षाबंधन के बाजार पर बड़े पैमाने पर पड़ रहा है। दोबारा लॉकडाउन लग जाने से दुकानदार भारी नुकसान उठा रहे हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप की चेन तोड़ने के लिए राजधानी दोबारा 10 दिन लॉकडाउन की जिद में है, जिसकी शुरुआत शुक्रवार रात 8 बजे से हो चुकी है। शुक्रवार की दिन भर बाजारों में भारी चहल पहल रही। बाजारों में राखियों की दुकान भी सजी नजर आई। लोग खासतौर पर त्योहार के लिए खरीदारी करते दिखे, लेकिन आमतौर पर उमड़ने वाली भीड़ बाजार में नजर नहीं आई। आज लॉकडाउन लगने वाला है, तो उसके रक्षाबंधन भी पास में है, उस उपलक्ष्य में मैं राखी ले रहा हूँ। लॉकडाउन के कारण सब दुकानें बंद हो जाएंगी, खरीदारी हो नहीं पाएगी। आज ही समय है, जो कुछ खरीदना है आज ही करना है। एक लंबे लॉकडाउन के बाद अनलॉक के दौरान बाजार सामान्य हो ही रहे थे। ऐसे में दुकानदारों की आशा थी कि बकरीद और रक्षाबंधन का त्योहार इनके लिए पिछले सारे घाटों को हद तक पूरा कर देगा। ऐसे में दोबारा बंद घोषित होने के कोई संकेत नहीं मिलने से दुकानों में नया माल भर लिया गया था, लेकिन अब टोटल लॉकडाउन इनके व्यापार को डाउन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। नई नई राखियों से लेकर कपड़े रुमाल तक सभी के व्यापारियों में घोर निराशा बनी हुई है, तो वहीं मिठाई दुकानों के हाल भी कुछ अलग नहीं है। ऐसे में व्यापारियों का कहना है कि पहले से बंद का अंदेशा हो जाता तो इतनी रकम डूबने से बच जाती। फिलहाल टोटल लॉकडाउन इन व्यापारियों के लिए मानो इनकी किस्मत के लिए लॉक साबित हो रहा है। DNA न्यूज। तो टोटल लॉकडाउन के चलते व्यापार डाउन है और कहीं ना कहीं इसका असर खासा व्यापारियों पर भी देखा जा रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पर करेंगे चर्चा, और चर्चा में हमारे साथ मेहमान शामिल हैं, उनसे परिचय करवाएंगे। हमारे साथ है सामाजिक कार्यकर्ता अंशु गुप्ता जी, और साथ में है अनुपम अग्रवाल जी, महासचिव है व्यापारी महासंघ के। बहुत स्वागत है अनुपम जी आपका, बहुत स्वागत है अंशु जी आपका। शुरुआत अनुपम जी आपसे करेंगे। जिस तरह हम व्यापार की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ा तबका जो है व्यापार से जुड़ा हुआ है, और मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो वहां 10 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। लॉकडाउन हालांकि पहले से किसी तरह की कोई घोषणा ऐसी नहीं थी कि लॉकडाउन किया जाएगा, लेकिन जैसे ही 2 दिन का समय दिया गया और लॉकडाउन की घोषणा की गई, तो लोगों में कहीं ना कहीं खलबली मची। लोग जो आमजन हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने खरीदारी को लेकर भगदड़ मची, तो कहीं व्यापार को लेकर भी जो दुकानदार हैं कहीं ना कहीं परेशान दिखाई दिए, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी मात्रा में सामान जो ले रखा था उसको 2 दिन में विक्रय करना बहुत मुश्किल सा दिखाई दिया। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम समझना चाहेंगे, क्या लगता है कहीं ना कहीं भारी नुकसान देखा जा सकता है व्यापार? निश्चित रूप से कि इस बार व्यापारियों ने काफी तैयारी करके रखी थी रक्षाबंधन की, जिसमें राखी बेचने वाले व्यापारी हैं, रेडीमेड से संबंधित हैं, कपड़े के हैं, रुमाल वाले हैं, और भी कई ट्रेड के, दाल चावल शक्कर तेल किराना ड्राई फ्रूट सभी चीज इस त्योहारी सीजन पर लगती है, जिसके चलते व्यापारियों ने भरपूर माल मंगा कर रखा था। लेकिन 2 दिन पहले ही लॉकडाउन की जो घोषणा हुई उससे ना उतना माल बिक पाया, लेकिन बाजारों में भीड़ भाड़ बहुत आई, और हमने प्रशासन से निवेदन किया था कि पिछले लॉकडाउन में जो 4 घंटे खोलने की अनुमति दी थी, कम से कम दैनिक आवश्यक वस्तुओं को तो खोलने की अनुमति दी जाए, लेकिन इस बार वो भी अनुमति नहीं दी गई है। इसकी वजह से निश्चित रूप से रोज कमाने रोज खाने वाला व्यक्ति तो परेशान हो ही रहा जी। अंशु जी, क्या लगता है जिस तरह हमने देखा पिछले 2 दिन जब मौका दिया गया लोगों को खरीदारी का, और कहीं ना कहीं बाजार खुले रहे, गुलजार रहे, इस बीच लोगों की भीड़ भी हमने काफी देखी, जिसका परिणाम ये रहा कि अगर राजधानी भोपाल की ही बात करें तो एक बड़ी संख्या में जो कोरोना के संक्रमण है वो सामने आए हैं, तो लगता है कि जो निर्णय किया गया 10 दिन के लॉकडाउन का वो सही था? हालांकि अनुपम जी का भी कहना है, और अगर व्यापार और अर्थव्यवस्था की नजर से देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारी नुकसान दिखाई देता है। क्योंकि हम अगर देश, पूरे देश की बात करें, तो देश की अर्थव्यवस्था पर तो असर पड़ ही रहा है, और दैनिक दिनचर्या जो इंसान की एक रूटीन लाइफ है उसमें भी कहीं ना कहीं इस तरह की अनऑर्गेनाइज चीज, मैं इसलिए कहना चाहूंगी इसको अनऑर्गेनाइज, कि भाई आप एरिया वाइज लॉकडाउन को प्लान वे में करते, हफ्ते के कुछ दिन करते, कुछ स्ट्रिक्ट लोगों के साथ आगे पीछे करके बाजारों को खोलते, क्योंकि जो व्यापारी वर्ग है करीब करीब 6 महीने से वैसे ही परेशान है, और बड़े व्यापारी तो फिर भी इस तरह के नुकसान को झेलेंगे, पर जो छोटे व्यापारी रोज कमाने रोज खाने वाले हैं उनकी स्थिति पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। अभी आप जो कोरोना वायरस के संक्रमण से हुए व्यक्तियों की जो अपर ग्राफ देख रहे हैं,
तो उस अपर ग्राफ को देखते हुए भी सरकार को कंटेनमेंट एरिया बनाने चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर के साथ बाजार खोलने चाहिए कि अभी एक बैच जाएगा इतने से इतने बजे तक इतने ही लोग जाएंगे। तो इस तरह की कुछ प्लान वे में आप बात करते, उसको इम्प्लीमेंट करते तो चीज समझ में आती है। आप दो दिन पहले एकदम क्योंकि बाजार में माहौल है गिरावटी का और त्योहार का, अब त्योहार भी तो मनाएंगे ही ना लोग, ये है कि हाँ पब्लिक अवेयरनेस उसमें जरूरी है, पब्लिक को साथ देना होगा और पब्लिक साथ दे रही है, ऐसा नहीं है। व्यापारियों ने, हमारे तो व्यापारियों ने पूरा सहयोग किया है कि आप अगर कहते हैं जीवन सबसे सर्वोपरि है, थोड़े दिनों के लिए अगर इस तरह की रिस्ट्रिक्ट आप लगाते हैं तो हम उसमें भी सहयोग प्रशासन को करने के लिए तैयार है। पर फिर भी आप अगर स्ट्रिक्टली करें कोई तो प्लान्ड वे में करें, मतलब एकदम आपने दर्जन चला दी भाई हफ्ते में दो दिन का कर देते, एक अल्टरनेट डे का कर देते, पब्लिक को भी समझ में आती कि भाई आज बाजार नहीं खुल रहा है, आज नहीं जाएंगे, कल थोड़ा सा ले लेंगे। अब एकदम दस दिन का अनाउंस हो तो पब्लिक भी, त्योहार का समय है, पब्लिक एकदम मानसिक रूप से इस चीज के लिए तैयार नहीं थी, वो हबड़ सबड़ में आगे आई और फिर बाजारों में भीड़ हुई और कोरोना जो केसेस बढ़ रहे हैं उनके लिए भी हमारी सरकार को ऐसे कंटेनमेंट एरिया बनाने चाहिए, सारी टेस्टिंग होनी चाहिए, उनके लिए पब्लिक अवेयरनेस के मोहल्ले स्तर पे कार्यक्रम होने चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो प्रशासन को करनी चाहिए पर वो कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। तभी तो ये सारी चीजों को, कभी आप किसी तरह का लॉकडाउन करते हो, कभी किसी तरह की बातें करते हो, अभी तक तो कुछ भी सामने ऐसा नहीं आया कि पब्लिक जिस चीज से राहत पाए। पब्लिक तो है, दैनिक दिनचर्या भी होगी, आप उनको घरों में ज्यादा दिन रोक नहीं सकते हो, तो ये सारी हमारी अर्थव्यवस्था को देखते हुए व्यापारियों को भी हमें मजबूत करना है, नहीं तो फिर सारी चीजें, दैनिक चीजें कैसे चलेंगी, सब इंटरकनेक्टेड है। अगर बाजार नहीं खुलेगा तो व्यापारी नहीं उठ पाएंगे, व्यापारियों के साथ हमारी दैनिक चीजें, हम जो है रोजमर्रा की चीजें जो खरीदनी हमको, वो हमारी भरपाई नहीं होगी, हमारी भरपाई नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हालात बिगड़ेंगे, अराजकता आएगी। तो अराजकता का एक ये रूप था जब अनाउंसमेंट हुआ, उससे पहले जो पब्लिक एकदम निकल के आई, तो ये सारी चीजें कि प्रशासन को सोचना चाहिए कि धीरे धीरे हर दिन हफ्ते के दो दिन लॉकडाउन कर दो, एकदम आप स्ट्रिक्ट कर दोगे तो पब्लिक बाजारों में निकलेगी और फिर ये संक्रमण के केसेस और आगे आएंगे। तो प्रशासन से हम हमेशा यही अपील करते हैं कि आप चीजों को प्लान्ड वे में पब्लिक के लिए लेके आए, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, इस तरह पब्लिक भी अब क्या है, अब आप ये भी देखिए इसको इतना सीरियसली अब लोग नहीं ले रहे हैं, इतना भयावह इसकी गंभीरता के साथ इस चीज को लेना चाहिए कोरोना संक्रमण को, तो अब पब्लिक उस चीज को इतना सीरियसली नहीं ले रही, इसलिए वो केसेस भी आगे आ रहे हैं। उन चीजों को देखते हुए गंभीरता उसकी समझनी चाहिए प्रशासन को और एक प्लान्ड वे में एक ऑर्गेनाइज। जी अंशु जी की बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, जिस तरह उनका कहना है कि एक योजनाबद्ध तरीके से चीजें होनी चाहिए और कहीं ना कहीं इसका असर खासा दिखाई देगा, क्या प्रशासनिक स्तर पर किसी तरह की कोई मांग व्यापारी संघ की तरफ से की गई कि इस तरह की चीजों को थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, क्योंकि एक जो दुकानदारों की अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन होती है बहुत बेहतर नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं कई दुकानदार तो ऐसे देखे जाते हैं जो कहीं ना कहीं उधार लेकर इन चीजों को का इंतजाम करते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक ऐसा मौका है जिससे उनको फायदा मिलेगा और उनके कुछ दिन आसानी से गुजर सकेंगे, ऐसे समय जब उन्होंने इस तरह की चीजें मुहैया की होगी, इस तरह की व्यवस्था की होगी, अब उन पर जो माल की बात है वो कहीं ना कहीं, कई लोगों का ये भी कहना है कि जो माल उन्होंने उठाए थे वो पूरी तरह बंद ही रखे क्योंकि एक दो दिन ऐसा समय नहीं था कि उनको बेचा जा सके। अनुपम जी नहीं बिल्कुल निश्चित रूप से, देखिए राखी से त्योहार पे बिकती है, अरे राखी का सीजन चला गया तो अगले साल ही वो निकल पाएंगे, जो जिन फैक्ट्रियों से जिन जगह से ये माल लेकर आए थे ये सामान तो उनका साल भर बंधा ही रहेगा। और हमने शासन प्रशासन से पहले भी मांग की थी कि लॉकडाउन में कम से कम 4 घंटे की छूट दी जाए कि जिसको आवश्यक सामग्री की या जिस चीज की आवश्यकता है टाइम पीरियड में जाकर ले ले, उससे दोनों का लाभ होता, उपभोक्ता को भी किसी चीज की परेशानी नहीं होती और दुकानदारों के पास भी जो माल रखा हुआ है आसानी से निकल जाता। तो इसके पहले तो शासन प्रशासन ने हमारी बात मान ली थी, लेकिन इस बार 10 दिन के लॉकडाउन में ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्हें स्ट्रिक्टली मना कर दिया, नहीं कुछ भी नहीं खुलेगा। अभी हमारे जैसे दाल है, चावल है, किराना है, आटा है, मैदा है, रवा है, शक्कर है और दूसरी चीजों के ट्रक जो दूसरे प्रदेशों से चल के आए थे आज हमारे नो एंट्री के बाहर खड़े हुए हैं, क्या वो ट्रक 10 दिन तक खड़े रहेंगे, उसमें रखा हुआ सामान खराब नहीं होगा, क्या उन ट्रकों में से सामान चोरी नहीं होगा, ये भी बड़ी चिंता का विषय है समय व्यापारियों के लिए।
इस तरह की किसी तरह की प्रशासनिक स्तर पर आप लोगों ने मांग की है या किसी तरह की कोई ऐसी ख्वाहिश जताई गई है कि कुछ छूट थोड़ी बहुत दी जाए, ताकि त्योहार का समय है, सभी चीजों कुछ ऐसी गाइडलाइन भी तैयार की जाए ताकि सुरक्षा के साथ सभी चीजें इंतजाम के साथ किया जा सके? अपनी बात प्रशासन तक पहुंचा दी है, देखिए उनकी भी कुछ मजबूरी होंगी, उनकी भी कुछ व्यवस्थाएं होंगी, वो भी कुछ सोच रहे होंगे बढ़ते संक्रमण को देखते हुए। मैं ये नहीं कहता कि पूरी गलती प्रशासन की है, पूरी गलती व्यापारियों की है, पूरी गलती आम जनता की, को उनको भी व्यवस्था करना है कि संक्रमण फैले नहीं, और हम भी व्यापारी भी और आम जनता भी पूरा सहयोग करने तैयार है, लेकिन व्यवस्था ऐसी बनाई जाए कि संक्रमण भी नहीं फैले, उपभोक्ता को सामग्री भी मिले और व्यापारियों को काम भी चलता। जी क्या लगता है, जैसे आम जन की अगर बात की जाए, मध्यम वर्ग की अगर बात की जाए, तो वो कम से कम इस बात को बहला सकते हैं अपने मन को कि चलो ठीक है, इस बार त्योहार इस ढंग से मनाया जाए कि कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। लेकिन अगर जो विक्रयकर्ता है, जो दुकानदार हैं, वो कहीं ना कहीं इनके लिए तो ये एक अवसर, जैसा कि कहा जा रहा है कि आपदा में अवसर तलाश करें, तो ये अवसर ही उनके लिए रहा होगा कि जब छूट मिली, जब लॉकडाउन जैसी स्थिति थी तब तो सभी ने समझ लिया था कि अब पता नहीं कब का हालात सुधरेंगे और कब हम अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी उसको जी पाएंगे। पर जैसे अनलॉक हुआ, सभी ने समझ लिया कि जो पुरानी जो दिनचर्या थी, जो गाड़ी उनकी पटरी पर उसी तरह आ चुकी थी, लेकिन अब अचानक से ऐसी चीजें सामने आती है, तो क्या लगता है, जिस तरह और बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो राखी जैसी चीज को निर्माण करते थे, तो कहीं ना कहीं उन पर भी असर पड़ा है व्यवस्था को लेकर, अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं इसको लेकर चरमराई है। और इसके अलावा अगर बात की जाए, तो अगर ये 10 दिन का लॉकडाउन निरंतर बना रहेगा, तो ऐसे लोग जिन्होंने इस तरह के माल उठाए हुए हैं, कहीं ना कहीं उधार लेकर बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी की होंगी कि उनका 2-4 दिन आराम से गुजर सके, कम से कम खान पीन की चीज़ वो तैयार कर पाए अपने लिए, त्यौहार मान भी लेते हैं क्योंकि कई लोगों में खासा उत्साह होता है इस तरह के त्यौहारों को लेकर, तो क्या वो अपने इस चीज़ को समझ पाएंगे कि उन्हें अब कैसे गुजारा करना है, को समझेगा प्रशासन? अंशु जी, हाँ बिल्कुल सही कहा अनुजा जी, क्योंकि देखिए मानव साइकोलॉजी आप समझ सकते हैं कि वो खुशियां भी बहुत अच्छे से मनाता है, दुख होता है तो आपस में एक दूसरे को बांटता है, तो इस चीज को हमको समझना होगा। त्योहार का समय है, लोग घरों से निकलेंगे ही, अपनी जो भी त्योहार संबंधी सामग्री है उसको भी खरीदेंगे, चाहे वो छोटे स्तर कम ही स्तर पे करें, पर ये चीजें तो होंगी ही, तो इन चीजों को देखते हुए समझते हुए ये चीजें बहुत ऑर्गेनाइज वे में, क्योंकि ये चीजें रुक नहीं सकती हैं किसी भी स्तर पे। आप सोचिए तो ट्रेडिंग, जैसे आपने कहा कि ट्रेडर्स ने पहले से माल रखी रहा था कि अब त्योहार आ रहा है, ग्राहकी बढ़ेगी, मेरा माल जाएगा और मेरे पे पैसे आएंगे, तो ये सारी अर्थव्यवस्था जो थी वो कहीं ना कहीं इस तरह के लॉकडाउन, मतलब अनसर्टेनिटी, पहले से अगर माइंडसेट होता ग्राहकों का भी और विक्रयकर्ता का, कर्ता का, दोनों का अगर होता, तो कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट होती कि चलो इस बार त्योहार पे बाजारी नहीं उठेगी, ग्राहक कम आएंगे या नहीं होगा। पर यहाँ तो अनलॉक हो ही चुका था, तो व्यापारियों ने इस तरह से समझ लिया था कि बाजार खुलेगा, अब हमारी दुकानें उठेंगी, हम पे पैसा आएगा, जो हमारी उधारी हो उसको भी हम कहीं ना कहीं पटाएंगे और अगले सीजन के लिए, आगे के लिए हम सोचेंगे भी। इधर बाजार में जो लोग खरीदार थे वो जाने के लिए तैयार थे कि चलो इतने दिनों से अब है तो कुछ खुशियां आई हैं, त्योहार के बहाने हम नई चीजें खरीदेंगे, घर में खुशियां आएंगी, बच्चों के लिए चीजें खरीदेंगे, राखी है जैसे राखी से ही भाई बहनों का, बच्चों का बहुत उत्साह होता है, तो इस तरह से गिफ्ट आएंगे, तो ये सारी मानसिकता के साथ काम चल ही रहा था। यहाँ प्रशासन को ये सोचना था कि इस तरह की जब, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन साइकोलॉजी, उस चीज को समझते हुए ये चीजें व्यापारियों से भी परखना पड़ता है, क्योंकि अभी आप देखिएगा इसके जो दुष्परिणाम होंगे, बहुत से व्यापारियों ने जिनमें माल इकट्ठा कर रखा होगा, उधार ले रखा होगा, वो कहीं ना कहीं अपसाद में जाएंगे और ये घटनाएं और आगे बढ़ेंगी, या तो मेंटली वो वीक होंगे, या तो साइड केसेस ज्यादा बढ़ेंगे, या घर में लड़ाई झगड़ा, क्योंकि जब आदमी परेशान होता है तो हमारे घर में भी उस चीज का असर आता है, तो ये सारे केसेस और बढ़ जाएंगे। इधर जो जिसको बाजार में जाके अगर लोग खरीदारी करने के लिए माइंडसेट के साथ आगे आए हैं,
तो वहां पे पब्लिक अवेयरनेस बहुत जरूरी थी। पहले से प्रशासन कहती कि भाई 4 ही घंटे वो खुलेगा और इस तरह से इस एरिया में अब बाजार खुलेगा, तो लोग वैसे ही प्लानिंग करके अपनी सुविधा अनुसार चीजें खरीद लेते ना, वहां झंझट होती कि एकदम भगदड़ नहीं मचती, क्योंकि इंसान को लगता अब 10-15 दिन को लॉकडाउन हो गया, अब मैं घर में राशन भी भर लूं, मेरे बच्चे के लिए मैं दूध भी रख लूं, मेरे बच्चे के लिए बिस्किट भी रख लूं, मेरे घर में सब्जी भाजी की कमी ना हो जाए। तो ये करके जो भगदड़ वाला माहौल होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। अगर ये चीज नॉर्मलाइज रहती कि आपके वैसे सैटरडे संडे आपको नहीं जाना है बाजार, तो हम रूटीन लाइफ में वो एक हमारी दैनिक दिनचर्या लाइफ स्टाइल में आ जाता है कि हम इन चीजों के साथ दो चार हैं, बाजार 2 दिन नहीं खुलेगा, हमें नहीं जाना है, और प्रशासनिक स्तर पर भी प्रशासन अपना काम कर लेती। तो यहाँ प्रशासन का सहयोग देने को पब्लिक भी तैयार है, व्यापारी भी तैयार है, हर तरह का वर्ग तैयार है। लेकिन ये भी बात है अंशु जी की, कहने को तो कह दिया जाता है, पर जिस तरह हमने 2 दिन भगदड़ देखी वो कहीं ना कहीं शायद इस तरह की चीजें अगर जारी रहती तो आगे भी देखने को मिलती, क्योंकि त्योहार है, हर तरह से लोग अपने इस त्योहार को मनाना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं कोशिश यही करते कि ज्यादा से ज्यादा जो खरीदारी की बात सामने आ रही है, बकरा ईद भी है और रक्षाबंधन भी है, तो दोनों ही त्यौहार ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों का बाजार में आवागमन बहुत ज़्यादा देखा जाता है। खैर, और दूसरी चीज़ें भी आपसे चर्चा करूंगी। अनुपम जी जिस तरह चाइनीज जो आइटम्स हुए होते थे राखी के समय गिफ्ट को लेकर, या राखी ही बहुत सारी ऐसी बनने लगी थी जिनका कहीं ना कहीं असर पहले से ही देखा जा रहा था, अब निर्माण की अगर बात की जाए, निर्माण जो रहे वो कहीं ना कहीं ठप से रहे, तो उसका भी असर व्यापार पर दिखाई दिया है, या आगे और भी त्यौहार हैं जैसे गणेश चतुर्थी होगी तो उस पर भी कहीं ना कहीं एक, क्योंकि कहा जाता है कि जब एक त्यौहार खत्म होता है तो दूसरे अगले साल आने वाले त्यौहार की तैयारी उसी समय से शुरू हो जाती। देखिए जहां तक नहीं चाइना वाली बात, तो इस बार चाइना का माल उतना आया नहीं, क्योंकि सभी लोग सारे व्यापारी चाइना को लेकर विरोध में थे चाइनीज सामान के। लेकिन हाँ ये मान सकते हैं जिनका पिछले साल का स्टॉक में रहा होगा तो निश्चित रूप से उन्हें निकाला। आपकी एक दूसरी बात बहुत अच्छी है कि आने वाले दिनों में गणेश उत्सव का त्यौहार है, फिर नवरात्रि आएगी, दशहरा आएगा, दीपावली आएगी, आने वाले 2-3-4 महीने में बड़े बड़े त्यौहार आ रहे हैं। अब शासन प्रशासन को ऐसी व्यवस्थाएं करके चलना चाहिए, मेरा सुझाव है कि ये दीपावली तक के त्यौहार भी आराम से सुगमता से मने और कोरोना का संक्रमण भी नहीं फैले, वो बाजारों में भीड़ नहीं हो, ये सोचता हूँ अगर ऐसी व्यवस्था होगी तो निश्चित रूप से त्यौहार भी अच्छे से मनेंगे, व्यापार भी अच्छे से होगा, तो लोग संक्रमित भी नहीं होंगे। अंशु जी एक सवाल ये भी लोगों के जहन में आ रहा है कि मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो राजधानी भोपाल में संक्रमण के जो मामले हम देख रहे हैं काफी बड़े दिखाई दे रहे हैं, अचानक से बहुत ज्यादा मामले दिखने लगे हैं, इंदौर जैसे हालात थे काफी संक्रमित वहां पर निकलकर सामने आ रहे थे, अब ये भी बात की जा रही है कि जब भोपाल में लॉकडाउन किया जा रहा है तो इंदौर में क्यों नहीं। अब ऐसे समय अगर हम देखें तो रक्षाबंधन का त्यौहार है और कहीं ना कहीं लोगों को इस बात को लेकर उत्साह भी था क्योंकि अनलॉक की स्थिति थी, तो सबने इस बात को तय कर लिया था, एक माइंडसेट हो जाता है कि लोगों को किस तरह चीजों को करना है, तो लगता नहीं कि अगर दूसरे जो शहर खुले हुए हैं तो वहां पर जाकर अगर विक्रेताओं की बात की जाए तो वो जाकर अपनी दुकानें सजा सकते हैं, या अगर त्यौहार मनाने के लिए और लोगों की बात की जाए, जैसे कि कई बार देखा जाता है किसी का घर मायका भोपाल में है तो वो इंदौर पहुंच गया, अगर इंदौर में है तो इंदौर से भोपाल आ गया, इस तरह की चीजें भी हमेशा होती रही है, तो क्या इस तरह की चीजें भी देखी जा सकती है क्योंकि वहां पर लॉकडाउन नहीं है, या दूसरे और शहरों की बात करें, दूसरे और जिलों की बात करें, दूसरे और ग्राम की बात करें तो वहां पर ऐसी स्थिति नहीं है, तो क्या भोपाल से निकलकर लोग दूसरे और जगह पहुंच सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, मेरी जानकारी में कई लोग ऐसे हैं जो भोपाल से निकल चुके हैं, लोगों ने अपने ठीये पकड़ लिए हैं कि अब यहाँ 10 दिन का लॉकडाउन है तो चलो अब हम हमारे मायके चले जाते हैं, ससुराल या किसी रिलेटिव के या कोई ऐसे स्पॉट पे जहाँ हम 8 दिन बिता के आ जाए, तो ये बिल्कुल स्थिति सही इसी तरह की हुई है। तो इसमें मैं पब्लिक को कहूंगी कि भाई थोड़े दिन संयमित रहिए, जान से बड़ी कोई भी ऐसी चीज नहीं जो आपको दे कोई और दे पाए, तो अपनी जान के लिए दूसरों की जान के लिए, क्योंकि हो सकता है यहाँ से आप निकले संक्रमण लेके निकले हों, अभी तो पता नहीं जब टेस्ट होगा जब सामने आएगा, तो इन चीजों के लिए पब्लिक को बहुत ज्यादा अपने आप से स्ट्रांग होना पड़ेगा कि अभी दुर्दा काल है पूरे देश में, आपात स्थिति मतलब अभी तो कुछ अनिश्चितता है, कुछ पता ही नहीं है कि क्या इसकी इलाज आने वाले हैं, क्या इसका आगे परिणाम आगे हमको सामने देखने को मिलेगा,
तो इसमें पब्लिक तो बहुत ज्यादा संयमित होके अपनी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। त्योहार हम खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो ऐसे कितने ही त्योहार हम मनाएंगे। तो इसमें प्रशासन का भरपूर सहयोग पब्लिक को करना चाहिए कि नहीं मूवमेंट करें। बॉर्डर सील अगर भोपाल की बात करें तो लोग पलायन कर चुके हैं, तो सरकार भी क्या करे। इसमें तो पब्लिक को खुद से ही स्ट्रांग होना पड़ेगा कि हम नहीं जाए, घरों में रहें, अपने बच्चों के लिए सोचें, अपने बुजुर्गों के लिए सोचें। त्योहार है, घर में और क्रिएटिविटी के साथ मनाएं, गरीबों को हम हेल्प करें या हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके लिए हम आगे आके उनकी मदद करें। तो त्योहार इस तरह भी हम मना सकते हैं। पर ये जो पलायन है, लोग दूसरी जगह जा रहे हैं, ये तो बहुत गलत है, क्योंकि आप अगर संक्रमण लेके दूसरी सिटी में जाते हैं तो वहां फिर जी। बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया, आपको क्या लगता है किस तबके की ज्यादा लापरवाही है? इस तरह के जो हम मामले देख रहे हैं बहुत ज्यादा बढ़कर सामने आ रहे हैं, अगर शिक्षित तबके की बात की जाए तो उनकी भी, उनकी तरफ से भी दिखा जा रहा है कि जो दिशा निर्देश सरकार की तरफ से जारी होते हैं उसकी अवहेलना की जाती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी ये तो तबका डिफाइन ही नहीं हो पा रहा है। तबके मतलब हम किसी तबके को नहीं कह सकते। हाँ, शिक्षित लोगों को जरूर, क्योंकि जिनको नहीं समझ है, जो अशिक्षित है उनको इतना अवेयरनेस नहीं है, वो तो अनजान है। पर जो शिक्षित हैं, जिनको समझ है सारी चीज, उनको पता है कि इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन पे, सोसाइटी पे, तो उन लोगों को जो ये पिकनिक मनाने निकल पड़े, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सोशल मीडिया पे भी करती हूँ, कि आप मत जाइए। महिलाएं जो है उनको अपने घर में इस समझदारी को, जी समय की कमी है, अब यही समझना होगा कि ये लापरवाही कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए नुकसान देह साबित हो गई, क्योंकि जिन्होंने इस बात को समझ लिया था कि ये एक मौका ऐसा है जिसमें त्यौहार, कुछ हालांकि कुछ दिशा निर्देश के साथ त्यौहार मनाने की बात भी सामने आ रही थी, पर नुकसान उनका भारी हो गया है, जिन्होंने इस बात को समझा था कि ये मौका है जिसमें वो अपने 2 जून की रोटी का इंतजाम कर पाए। फिलहाल यहाँ पर अपनी चर्चा को समाप्त करूंगी। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें आप देखते हैं डीएनएन पर, और मुझे दीजिए इजाज़त, और दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया।